हेलो गाइस, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब सही होंगे। आज हम कुर्ते की कटिंग बताएंगे कि कुर्ता किस तरह से कटता है और कैसे। अब ये हमारा कुर्ते का कपड़ा है। कुर्ता हमारा कुछ 2 मीटर कपड़ा है ये हमारा कुर्ते का, और हम कुर्ता इस तरह से काटेंगे। इसको हमने फोल्ड कर लिया, इसको हमने फोल्ड करके रख लिया कुछ इस तरह से, और हमने दूसरी फोल्ड कर दिया। दूसरी दफ़े भी हमने उसको फोल्ड करके रख लिया और कुछ इस तरह से, और हम इसकी लंबाई नापेंगे। और ये हमारा जो हम इकसार नहीं है तो उसको इकसार कर लीजिए। कुर्ते की लंबाई हमारी 43 इंच है। कुर्ता हमारा 43 इंच लंबाई में, ये यहाँ से सब 43 इंच का हमने निशान लगा लिया कुछ इस तरह से। तीरा रख लिया हमने 6 इंच। तीरा हमने 6 इंच रख करके मुड्ढे रखे 7.5 इंच। चेस्ट है हमारे 18, तो 18 का हमारा आएगा 9 इंच रखे हमने चेस्ट। चेस्ट हमारे 9 इंच है। 1-2 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया, और यहाँ से नीचे को दिया जाता है 7 इंच पे कमर का ढाल का निशान। तो कमर है हमारी 15 इंच, तो 15 इंच का रखेंगे हम 7 इंच। और जहाँ चाक हम जहाँ जितने हमारे चेस्ट होते हैं उससे 1 इंच फालतू रखते हैं। ये हमारे चेस्ट हुए 10 इंच कुछ इस तरह से। हमने फिटिंग के निशान लगाएंगे कुछ इस तरह से। कुछ इस तरह से हम फिटिंग का निशान लगाएंगे, और कुछ ऐसे हमने इस तरह से हमने फिटिंग का निशान लगाया, तो ये कुछ इस तरह से हम कुछ इस तरह से हमने अब हम इसको सीधी लाइन खींच देंगे उसके अनुसार कुछ इस तरह से। यहाँ से हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे और इसको इस तरह से कटिंग कर देंगे हम। अब इस तरह से हमने इसको कटिंग कर दिया। और हम बैक साइड पार्ट को एक साइड कर देंगे, अपने फ्रंट पार्ट के कुछ गहरे करके मुड्ढे कटिंग कर देंगे। कुछ इस तरह से हमने इसकी कटिंग कर दी। अब हम आस्तीन कटिंग करेंगे। आस्तीन की लंबाई रखेंगे हम इस तरह से। हमने फोल्ड कर लिया, अभी एक ही तय बनाई हमने इसकी। अब हम इसको दूसरी बार फोल्ड करेंगे कुछ इस तरह से। हमने 2 बार फोल्ड कर लिया। अब हम आस्तीन की जो लंबाई रखेंगे आस्तीन की लंबाई हमारी 13 इंच कुछ इस तरह से।
आप अपने अनुसार रख सकते हो आपको कितने लंबे आस्तीन चाहिए। और मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाइए ताकि आपको मेरी हर न्यू डिज़ाइनर वीडियो मिलती रहे। अब हमने इसको इस तरह से कटिंग कर दी, कुछ इस तरह से। फिर मिलेंगे दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए ओके, बाय बाय।